गुड मॉर्निंग गाइस, आज मैं लाई हूँ क्लास टेंथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके 2020 में आने के मैक्सिमम चांसेस है. तो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन है, आई लेंस फॉर्म विच टाइप ऑफ इमेज ऑन रेटिना. जो आई लेंस है किस टाइप की इमेज बनाता है रेटिना पे. रेटिना आई की इनर मोस्ट लेयर के अंदर होता है और ये जो इमेज बनती है वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड. अब कलर ऑफ द स्काई ब्लू क्यों होता है. स्काई का कलर ब्लू होने का रीजन होता है स्केटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि ब्लू कलर ज़्यादा क्या होता है, स्केटर होता है. विच ऑफ द फ्लोविंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर. इनमें से कौन सी चीज़ इलेक्ट्रिक पावर को नहीं बताती. इलेक्ट्रिक पावर की अगर मैं बात करूँ तो इलेक्ट्रिक पावर होता है क्या, हमारा वर्क डन अपॉन में पर यूनिट टाइम वर्क डन होता है. मैं इसको डिटेल में आपको बताती हूँ. जो पावर होता है वो होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, और वर्क डन होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई में चार्ज अपॉन में टाइम. वर्क डन होता है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई में चार्ज. चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, हमारा करंट. तो पी इज इक्वल टू वी आई होगा, बिल्कुल होगा. अगर मैं यहाँ पे वी की वैल्यू डाल दूँ, क्योंकि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वी होता है आई आर मल्टीप्लाई में आई, तो ये क्या बन जाएगा, आई स्क्वेयर आर. तो आई स्क्वेयर आर भी पावर है. सिमिलरली अगर मैं आई की वैल्यू डाल दूँ वी बाय आर, तो वी स्क्वेयर आर भी है. तो ये सब तो पावर के फॉर्मूले है. इसने पूछा है कि पावर का फॉर्मूला इनमें से नहीं है, नॉट रिप्रेजेंट. तो इसका आंसर आएगा हमारे पास आई स्क्वेयर डिवाइड बाय आर नॉट. ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा. इन दिस क्वेश्चन इसने हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोविंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर. जो इनमें से कौन सा टर्म इलेक्ट्रिक पावर को नहीं बता रही. तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास आई स्क्वेयर डिवाइड बाय आर. आगे है, विच ऑफ द फ्लोविंग इज नॉट ए कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. कन्वेंशनल का मतलब होता है जो हम परंपरागत रूप से यूज करते हुए आ रहे हैं. तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास सोलर एनर्जी नहीं है. जो ये देखिए गाइस, हमारी यहाँ पे एमसीक्यू पूरी हो चुकी है. अब मैं नेक्स्ट बढ़ रही हूँ टू नंबर क्वेश्चन पे. फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, वो है वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी. ऊर्जा के अच्छे स्रोत के क्या गुण होते हैं. तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो वो एनर्जी बहुत अच्छा फ्यूल होता है. वो एनर्जी का वो अच्छी एनर्जी दे रहा है अगर वो सस्ता है, ठीक है, चीप है, इजली अवेलेबल है, इजली टू हैंडल है, हम उसको आराम से हैंडलिंग कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छे से हम उसको कर सकते हैं. इसके अलावा वो पोल्यूशन कॉज नहीं करता, वो पोल्यूटिंग गैसेस रिलीज नहीं करता. तो ये कुछ पॉइंट्स आप लेके आ सकते हैं कि वो पोल्यूशन फ्री होना चाहिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, उसका इग्निशन टेम्परेचर मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए. लाइक कैरोसिन ऑयल, इग्निशन टेम्परेचर होता है वो कम से कम टेम्परेचर चाहिए, कोई भी सब्सटेंस फायर कैच कर ले. उसका क्लोरोफिक वैल्यू अच्छी होनी चाहिए. जैसे कि अगर हम बात करूँ कुकिंग पर्पज़ के लिए एलपीजी अच्छा है या फिर वुड अच्छा है, तो वहाँ पे एलपीजी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि एलपीजी की क्लोरोफिक वैल्यू 50 किलो जूल पर किलोग्राम है और वुड की लकड़ी की 17 किलो जूल पर किलोग्राम है. तो ये कुछ पॉइंट्स है, क्या क्या पॉइंट्स होना चाहिए आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं. गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है ये, सेट वन का. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज 80 वोल्ट. और इसमें से जो करंट पास आउट हो रहा है वो हो रहा है 5 एम्पीयर. तो अगर करंट वट करंट विल द हीटर ड्रॉ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 160 वोल्ट. हिंदी में रिपीट कर देती हूँ, जब कोई विद्युत हीटर विद्युत स्तर से 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तब उसके टर्मिनलों के बीच विभवांतर 80 वोल्ट है. उस समय विद्युत हीटर कितनी विद्युत धारा लेगा जब विभवांतर 160 वोल्ट तक बढ़ा दिया जाएगा. एक बात मैं आपको बता देती हूँ इस क्वेश्चन के अंदर. तो हाँ जी, हमारा क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल के बीच में 80 वोल्ट है जब करंट है 5 एम्पीयर. वैसे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, बट दो नंबर का था, वो करके दिखाना पड़ेगा. ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, वी इज इक्वल टू में आई आर. हमें यहाँ पे वी पता है, हमारा वी क्या है, वी हमारा 80 और आई क्या हमारा 5 और आर हमें निकालना है. तो हम यहाँ से आर निकालेंगे, 80/5 आर आ जाएगा. तो हमने यहाँ से रेजिस्टेंस निकालेगी, हम यहाँ से ये आ जाएगा 16 ओम हमारा रेजिस्टेंस आ गया. अब हम जानते हैं हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है. अब वही दोबारा मैं बात कर रही हूँ कि अब मेरा वोल्टेज V1 होगी, लेकिन रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना. रेजिस्टेंस मेरा क्या रहेगा, 16/16 रहेगा. मेरा वोल्टेज कितनी होगी, 180 होगी. तो मेरा I1 मुझे निकालना है, तो ये 16 डिवाइड में हो जाएगा इसके. तो करंट कितना आ जाएगा, 160/16 10 एम्पीयर. मतलब कि अगर वोल्टेज डबल करी तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. तो इसका आंसर आएगा हमारा 10 एम्पीयर. हम इसको इस तरीके से भी सोच सकते हैं,
ऐसे क्वेश्चन अगर 1 नंबर में होता तो सीधा बोल सकते थे कि ओम्स लॉ ये बोलते हैं वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, अगर मैंने इसको डबल कर दिया तो मेरा करंट भी डबल हो जाएगा। लेकिन 2 नंबर का तो आप पहले के रेजिस्टेंस निकाल के दिखाएंगे, देन उसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम्स कैसे इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं। देखिए डैम बहुत ही अच्छा है अगर हमें हाइड्रो पावर प्लांट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनानी है, लेकिन इसने हमसे पूछा कि डैमेज क्या हो रहा है। बड़े बांधों के निर्माण से आर्थिक व पर्यावरणीय समस्याएं कैसे आती है आपको इसके बारे में बताना है कि कैसे हम जब बड़े बांध बना रहे हैं तो हम समस्याएं कैसे आई। देखिए जब भी बड़े बांध बनाने पड़ते हैं तो जिस भी एरिया में जिस भी रिवर के ऊपर नदी के ऊपर डैम बनाया जा रहा है बांध बनाया जा रहा है वहाँ के लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है, प्रवास मतलब कि उस स्थान को छोड़ के अपनी मेन नेटिव जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा, उन लोगों का लॉस रहेगा। साथ में जब भी डैम बनता है तो इन्वायरमेंट पे इकोनॉमिक क्या लॉस होता है, जहाँ भी डैम बन रहा है तो जो भी पानी में रहने वाले हमारे जीव थे, प्लांट्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो प्लांट्स, जो भी जू प्लैंकटोन्स थे उनका भी लॉस होता है, साथ में फिशेस भी मरती है, जिसको आप अच्छे से लिख के आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, आपको रे डायग्राम का यूज़ करके यूजिंग अ रे डायग्राम एक्सप्लेन द पोजिशन रिलेटिव साइज एंड नेचर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन F1 and 2F1 ऑफ ए कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस के बारे में एक आपका पक्का आएगा, वैसे तो आप सारे कर लीजिएगा इसके छः केसेस, लेकिन हाँ मैं आपको लो बता देती हूँ सारे के सारे इस केस के अंदर कि हमारा जो एक मिनट कन्वेक्स लेंस को आप ढंग से बनाइएगा। ओके डेट इज कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे आपको क्या करना है F1 और 2F1 के बीच में, तो ये बीच वाला पॉइंट हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहाँ पे F1 है तो इसके यहाँ पे क्या होगा थोड़ा मतलब डबल डिस्टेंस सेम सेम रहता है इसके बीच में, तो एक रे तो इसे क्या जाएगी पैरेलल जाएगी, वो कहाँ से क्रॉस कर जाएगी F2 से क्रॉस कर जाएगी, ठीक है ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और एक रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से वापस चले जाएगी, फिर किसी पॉइंट पे दोनों मीट कर जाएगा, जहाँ मीट करेगी वहाँ पे क्या बनेगी हमारी इमेज बन जाएगी, तो आपको इस बात का क्या देना है ध्यान देना है। तो इसने पूछा पोजीशन और उसकी नेचर, आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार दोबारा से आराम से डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस को आप थोड़ा सा अच्छे से बना के आ सकते हैं पेंसिल से, आराम से बनाइएगा। कन्वर्जिंग लेंस होगा, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये F1 हो गया, और इसी के इक्वल डिस्टेंस का जो होगा हमारा 2F1 होगा, ये हमारा F2 होगा, और ये हमारा क्या होगा 2F2 होगा, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो ये रूल होता है अगर कोई रे पैरेलल है तो वो कहाँ से क्रॉस करेगी फोकस से, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करे तो कहाँ पर क्रॉस करेगी ऑप्टिकल सेंटर पे क्रॉस करेगी, ठीक है। अब ये जो इमेज बन रही है ये F2 के 2F2 के बाद बनेगी, और इसका साइज़ जो होगा इन्वर्टेड साइज़ इसका मैग्नीफाइड होगा, बड़ा होगा। तो इसने पूछा ना कि पोजीशन क्या होगी, तो पोजीशन होगी बियॉन्ड 2F2, नेचर इसका रियल होगा इन्वर्टेड होगा, साइज मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाइड होगी। तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है और ये पहले 5 केसेस में रियल इमेज बनाता है। उसके बाद ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राई वेल लेवल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एंड वर्किंग, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन इलेक्ट्रिक मोटर। इसको तो आप मैं कहूँगी इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर रट लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको इसको एक्सप्लेन में पढ़ना है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर में एक्सप्लेन में वीडियो बना दूंगी। राइट हैंड थंब रूल 2 नंबर में है, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है, आप राइट हैंड लीजिए उसका थंब लीजिए, फिंगर्स लीजिए, जो थंब होता है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, थंब रिप्रेजेंट करता है सॉरी करंट को, थंब इज रिप्रेजेंटिंग करंट एंड फिंगर्स इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड। सर्कुलर रूप से आप ये बता सकते हैं, अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो आपको मिल जाएगी। आगे दोबारा से केमिस्ट्री के MCQ आ चुके हैं। MCQ ये है कि व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू द आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग्स में जब क्या करें, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमने क्या करा डाला, तो आप एक बात बताइए हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे पास HCl, जब उसमें हम आयरन डालेंगे तो देखिए आयरन या मेटल है ये एसिड है तो क्या बनता है सोल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस, तो FeCl2 प्लस में H2 गैस बाहर हो जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड जो है बनेगा, बिल्कुल बनेगा, तो ये रिएक्शन बिल्कुल
सही है यहाँ पे, नो रिएक्शन टेक प्लेस ऐसा नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर एक विलयन के पीएच का मान 9 है तो विलयन कैसा होगा. तो ऑफ कोर्स ही बात है, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 9 है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, 9 है, 7 से ज़्यादा है तो अल्कलाइन होगा, लेकिन वो वीकली अल्कलाइन होगा. तो इसका आंसर होगा डी, सॉरी डी आंसर रहेगा इसका, दुर्बलीय क्षारीय, तो फिर आप बोल सकते हैं वीकली अल्कलाइन होगा. एक एटम, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है एंड ध्यान से पढ़ने वाला है, मैं सच में बोल रही हूँ, क्वेश्चन बहुत ईजी है. एक एटम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास 287, अब क्वेश्चन में ट्वेल्थ की बात कर रही हूँ, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास 287, तो आपको क्या बताना किससे सिमिलर होगा वो. देखिए अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हम शेल्स लेते हैं के एल एम एंड एन शेल्स का हम यूज़ करते हैं, तो के एल एम एन हम इन चार शेल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें 8 देन 18 32 26, तो 2 8 7 से पता लग रहा है इसका एटॉमिक नंबर 17 है. तो हम सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, लाइक नाइट्रोजन की होगी 2 5, फ्लोरीन की होगी 2 7, आंसर यही सॉल्व हो गया. जिसकी आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, तो फ्लोरीन एंड 17 क्या होगा, सेम होगा. हम एक बार फॉस्फोरस को भी कर लेते हैं, 285 288, तो ऑफकोर्स 27 इसका आंसर होगा बी, क्योंकि इन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, और ये दोनों ही ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करते हैं. मैं आपको एक और ट्रिक भी बता सकती हूँ, चलिए अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जाना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको डिटेल में इसकी हिस्ट्री बताऊँगी. नेक्स्ट 2 नंबर में क्वेश्चन है कि आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताना है. एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हीट अब्जॉर्ब्ड होती है. देखिए एंडोथर्मिक भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ एक्सोथर्मिक भी इंपॉर्टेंट है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट रिलीज होती है. आपको एक एग्जाम्पल देना है, एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन. हम सनलाइट एज ए हीट एनर्जी अब्जॉर्ब, प्लांट्स अब्जॉर्ब कर रहे हैं खाना बनाने के लिए. तो स्पर्म कैसे, कौन प्रोड्यूस करता है, अब स्पर्म इनमें से सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस करता है. ब्रायोफाइलम द बर्ड्स प्रोड्यूस्ड ऑन, जो बर्ड्स प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं लीव्स के ऊपर. विच ऑर्गेनिज्म, तो इसमें आएगा इसका आंसर लेशमेनिया. एंड देन हमारा जो, तो हर्बीवोर किस ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं, हर्बीवोर आते हैं हमारे सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे. तो हर्बीवोर किस ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं, हर्बीवोर आते हैं सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे. तो ये हमारे सारे एमसीक्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी. थैंक यू गाइस, इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपको पक्का दिखेगा.